इस बार हम 37वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। वैसे तो बनता 38वां, मगर एक वर्ष हमने रामलीला नहीं करी, सिर्फ रावण कुंभकर्ण मेघनाथ के पुतलों का दहन किया था। अगर हम उनको भी अगर जोड़ के चलें तो हम 38वें वर्ष में हैं, मगर हमने एक वर्ष क्योंकि रामलीला नहीं करी थी इसलिए हम 37वें वर्ष में अपने आप को मानते हैं। 37 वर्षों का ये एक सार्थक प्रयास, जिसमें बहुत बड़ी भूमिका हमारे यहाँ के सभी पत्रकार भाइयों की है, उसके साथ साथ इस शहर के सभी नागरिकों की है और हमारे इस समिति के सभी सदस्यों की है जो यहां पर बैठे हैं और सामने बैठे हैं। मैं चाहूंगा कि जोरदार एक बार ताली से सभी का स्वागत कर दें, क्योंकि इस भूमिका में हम आप और सभी का एक बहुत बड़ा सहयोग रहा है। आज की इस प्रेस वार्ता को प्रारंभ करने से पहले मैं चाहूंगा आपको कुछ सदस्यों के नाम और वो आपके सामने रखूं। हमारे संस्था के मुख्य संरक्षक डॉक्टर महेश शर्मा जी हैं, उप मुख्य संरक्षक माननीय पंकज सिंह जी विधायक हैं, हमारे सह मुख्य संरक्षक हमारी बहन श्रीमती बिमला बाथम हैं, श्रीमती श्री अमित चौधरी जी हैं, हमारे युग के यजमान के रूप में वीएस चौहान साहब, आनंद कुमार चौरसिया जी हैं, कार्यक्रम के अध्यक्ष जो हैं सुनील गुप्ता जी हैं, स्वागत अध्यक्ष हमारे पीयूष द्विवेदी जी हैं और कार्यक्रम के संयोजक हमारे मधुसूदन दादू जी हैं, जो इस कार्यक्रम में हमारे पूरे सहयोग की तरह काम कर रहे हैं। उनके साथ साथ हमारे कुलदीप गुप्ता जी यजमान हैं, अमित कुमार जी हैं, राजन श्रीवास्तव जी हैं, दीपक गौतम जी हैं, देवेंद्र गंगल जी। राज्य का शुभारंभ होगा और 6/10/2022 तक निरंतर साय 7 बजे से प्रारंभ होके रात्रि जब तक समाप्त नहीं होती तब तक चलेगा और 5 तारीख को भव्य आयोजन जो विजयदशमी पर्व का होता है उसको मनाया जाएगा इसी स्थान पर, इसी ग्राउंड में। ये कार्यक्रम लगातार साय 7 बजे से प्रारंभ होगा। इसमें रत्नाकर ड्रामेटिक आर्ट्स के कलाकार यहां पर आपके सामने रहकर आपके बीच में रामलीला का मंचन करेंगे। रत्नाकर जी की टीम जो है आपको मैं बताना चाहता हूं, इनमें बहुत से कलाकार जो हैं वो टीवी कलाकार हैं, बहुत से कलाकार हैं जो पिक्चरों में भी काम करते हैं, साइड रोल के साथ साथ मुख्य भूमिका निभाते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर हमारे पास 2019 में भी उनमें से कुछ कलाकार आए थे और इस बार पूरी टीम जो 2019 में आई थी वो इस बार दोबारा पूरी टीम उनकी यहाँ पर आकर एक भव्य आयोजन करेगी, रामलीला का मंचन करेगी। हमारे कलाकारों की खासियत वो क्या रहेगी मैं आपको छोटे से एक वर्ड में बताता हूँ। हमारे कलाकार किसी भी प्रॉम्प्टिंग नहीं होगी, हमारे कलाकारों की कोई लिपसिंग नहीं होगी, जो भी पात्र है वो डायरेक्ट डायलॉग जो भी बोलना है वो स्वयं बोलेगा, उनमें कहीं भी कुछ ऐसा नहीं होगा जो पीछे से बोल रहा है या आगे से कोई लिपसिंग कर रहा है या कोई रिकॉर्डिंग चल रही है, ऐसा नहीं होगा। हमारे सभी कलाकार स्वयं अपने आप उस कला का प्रदर्शन करेंगे, उस डायलॉग को बोलेंगे, वो भगवान राम के स्वरूप में हो, चाहे वो किसी भी स्वरूप में होंगे, चाहे वो राम हो, रावण हो, हनुमान हो और जो भी महिला पात्र है वो होगी, वो डायरेक्ट डायलॉग रहेंगे, उसमें किसी के साथ कोई ऐसा नहीं होगा कि कोई मिक्सिंग या ऐसा होगा। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि जब डायलॉग खुद बोलता है तो एक भावना और एक अच्छे प्रदर्शन को साथ लेके चलता है, वो अच्छा प्रदर्शन तभी कर पाता है व्यक्ति जब उसके साथ सारी भूमिकाएं और सारा वो खुद एक बहुत बड़ा कलाकार हो। वो ऐसे ही कलाकार हमारे यहाँ पर जो उपस्थित रहेंगे। उसके साथ साथ यहाँ पर हमारे बहुत से कार्य हैं जिनको हम सब मिलकर करेंगे, तो उनके ऊपर दृष्टि देने के लिए मैं अनुरोध करूंगा हमारे संस्था के चेयरमैन डीएन गोविल साहब से कि वो इसमें अपना। श्री सनातन धर्म रामलीला समिति जो पिछले 36 वर्षों से रामलीला का आयोजन इस नोएडा शहर में करती आ रही है, इस वर्ष हम 37वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। एक वर्ष कोविड की वजह से रामलीला का आयोजन नहीं हो पाया, मगर इस वर्ष बड़े भव्य तरीके से इस रामलीला का आयोजन सनातन धर्म रामलीला समिति ने करने का एक निर्णय लिया है। आपके सामने हैं, आप देखेंगे बाहर हमारा बहुत ही सुंदर मंच तैयार हो रहा है
पूरा मेले का आयोजन है। यहाँ पे आने वाले सभी भक्तों को ध्यान में रखते हुए, बच्चों को ध्यान में रखते हुए उनके खाने पीने की सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। और आपको ये मैं बताना चाहूँगा, इस वर्ष भगवान श्री राम की लीला का मंचन करने के लिए जो कलाकार हैं, वो हमारे बहुत से कलाकार ऐसे हैं जो टीवी सीरियल के हैं, पिक्चरों के अंदर सेकंड रोल के रूप में काम करते हैं, वो करेंगे। साथ ही साथ हमारे जितने भी कलाकार रहेंगे वो डायरेक्ट डायलॉग अपने आप करेंगे, वो किसी भी प्रॉम्प्टिंग या पीछे से बैकग्राउंड या लिपसिंग नहीं होगी, डायरेक्ट डायलॉग करेंगे। सीधा सीधा अपने आप में वो दर्शाएंगे कि आप अगर किसी भी रोल को कर रहे हैं, चाहे भगवान श्री राम का रोल कर रहे हैं, चाहे आप केकई का रोल कर रहे हैं, चाहे आप ताड़का का रोल कर रहे हैं, चाहे रावण का रोल कर रहे हैं, मगर उसको डायरेक्ट आप अपने आप अपनी आवाज़ से, अपनी बातों से और अपने ही अंदाज में उसको सामने पेश करेंगे। सुरक्षा की दृष्टि से मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, आप सबके सहयोग से, कि हमारी तरफ से सीसीटीवी कैमरे हैं, सुरक्षा गार्ड हैं, अपने स्वयंसेवक लगेंगे, पुलिस की तरफ से पूरा सहयोग रहता है, मगर भीड़ बहुत होती है यहाँ पर, इसीलिए मैं पुलिस शासन प्रशासन से अनुरोध करता हूँ कि यहाँ पर सुरक्षा दृष्टि को देखते हुए यहाँ पुलिस बल अधिक तैनात किया जाए, क्योंकि यहाँ पर आने वाले पूरे शहर के जो नागरिक होते हैं यहाँ उपस्थित होते हैं, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं माहौल भी चारों तरफ इसी से थोड़ा सा ख़राब है, उसको भी अगर हम देखते नजर दृष्टि नगर रखें तो इससे यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने के हमारी तरफ से पूरे इंतजाम रहेंगे, शासन प्रशासन भी अपनी तरफ से पूरे इंतजाम करेगा, मगर सुरक्षा व्यवस्था अधिक करने की हम डिमांड रखें। झूले लगे हैं, झूलों को लेकर के क्या सुरक्षा व्यवस्था है, क्योंकि कई बार देखने को आया हाथ से झूले की व्यवस्था के ये है कि झूले वाले ने जो भी झूले लगाए हैं उसने अपने जो भी मानक थे उसकी अनुमति पूरी प्राप्त करी है, इसके फिटनेस सर्टिफिकेट उसके पास अपने हैं, क्योंकि झूले की अनुमति जो झूले लगाता है वो सारी अनुमति वो स्वयं खुद लेके आता है, हमारी रामलीला की अनुमति होती है वो झूले की अनुमति लेके आता है, हमारी रामलीला की अनुमति को लगा के कि रामलीला का आयोजन हो रहा है यहाँ पे झूले की अनुमति के साथ साथ हो रहा है, और वो झूले की अनुमति लाता है, उसके साथ फिटनेस की सर्टिफिकेट वो लेता है, वो इलेक्ट्रिसिटी फिटनेस का सर्टिफिकेट वो लेता है, जितने भी प्रकार के अगर वहाँ पे उसका मनोरंजन का जो कर होता है वो भी वो जमा करा के आता है, वो पूरी सुरक्षा मानकों को वो अपने हिसाब से वो पूरा करके ही इस कार्यक्रम को प्रारंभ करता है। बारिश का समय चल रहा है, किस प्रकार से समिति की तैयारियां हैं? देखो, इंद्र देवता के सामने तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता, मगर हमारे प्रयास हैं कि बारिश जहां तक दिखा रहा है कि संडे तक बारिश है, मंडे में भी अगर बारिश होती है कोई बात नहीं है, भगवान राम ने जब 14 वर्ष का वनवास दिन रात जंगलों में बारिश में सब में रहकर किया, तो ऐसी स्थिति में हमारी भी रामलीला वैसे ही चलेगी, हमारे भगवान भी बारिश में रामलीला करेंगे, हमारे भक्त भी बारिश में रामलीला देखेंगे, एक आनंद ही और कुछ और होगा, हम रेन रामलीला कर लेंगे इस बार।